के नाम पर पार्टियां मुसलमान को भड़काने का था। जी देखिए, अब केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? बस हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसके नियम उससे गवर्न होते हैं। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? तो ये केवल एक चीज नहीं है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें, बहुत सारे जातियां हैं जिसकी अपनी परंपरा है, उसके हिसाब से वो गवर्न करते हैं और संविधान में भी उसको कहीं न कहीं उसको मान्यता मिलती है। तो उन सब चीजों को हमको देखना पड़ेगा। केवल ये देश जो है विभिन्न जाति विभिन्न धर्म विभिन्न प्रांत से मिल के बना है और ये गुलदस्ता है और इस गुलदस्ता में बहुत सारी चीजें हैं जिसके अलग अलग उनके मानने वाले हैं। तो उन सब चीजों सबका भावनाओं को हमको देखना होगा।